कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सफलताएं नहीं मिलती हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें मुख्य कारण है कि शायद उस काम को गलत तरीके से किया जा रहा हो, या उस काम को सही समय पे न किया जा रहा हो, या उस काम को तो किया जा रहा हो लेकिन सही नज़रिए के साथ न किया जा रहा हो। इस बात को हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और यह जानेंगे कि हम लोगों का नज़रिया ही है जो हम लोगों का फ्यूचर को डिसाइड करता है। हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियथन की कहानी जानते हैं। गोलियथन एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई ने गोलियथन से डरने की बात की। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि वह बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत तो यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशान चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल यानी गुर्देल से मार डाला। राक्षस वही था लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया अलग था। हाँ दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि गोलियथन राक्षस वही था लेकिन डेविड का नज़रिया और लोगों से अलग था, इसलिए डेविड ने उस राक्षस को मौत का घात उतार दिया। कहा जाता है कि नज़र का तो ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नज़रिया का नहीं। अगर आपका नज़रिया गलत है तो भले ही आप नज़र का ऑपरेशन करा लें लेकिन आप भी असफल हो जाएंगे, यानी सफलता से चूक जाएंगे। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं यह हमारे नज़रिए से तय होता है। आशावादी सोच वाले आदमी के लिए नज़रिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है, दूसरी ओर निराशावादी सोच के लिए यही रास्ते का रोड़ा बन सकता है। तो अगर आपका निराशावादी नज़रिया है या किसी चीज़ को देखने का या किसी व्यक्ति के प्रति सोचने का नज़रिया गलत है तो उसको चेंज करिए और आप भी अपने ज़िंदगी में मिरेकल महसूस करेंगे। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।